इजरायली सेना का हमला लगातार जारी है। हमास के खिलाफ छिड़ी जंग में हजारों लोगों की मौत भी हो चुकी है, मगर ये खून खराबे का सिलसिला कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। जहां एक तरफ अमेरिका इसराइल को समर्थन दे रहा, तो कई आतंकी संगठन भी हमास के समर्थन में उत्पात मचा रहे हैं। हुती विद्रोही भी उन्हीं में से एक है, मगर ऐसे में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। चीन, जो कि हमेशा अपनी गलत हरकतों की वजह से चर्चा में रहता है, उसने गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध में हमास को अपना समर्थन दिया है। चीन ने कहा है कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा होगा तो फिलिस्तीन के लोगों का हथियार उठाना जायज माना जाएगा। चीन के इस बयान के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। चीन का मानना है कि फिलिस्तीनियों को इसराइल के खिलाफ लड़ने का अधिकार है, क्योंकि इसराइल गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ लगातार युद्ध जारी रखे हुए है। ये भड़काऊ बयान चीनी विदेश मंत्रालय के कानूनी सलाहकार मा चिनमिन की तरफ से आया है। मा चिनमिन का यह बयान उस पब्लिक हियरिंग में आया जिसमें ये कहा गया कि इसराइल वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में अपने अवैध कब्जे को स्थायी बना रहा है। देखा जाए तो चीन लगातार गाजा पर हमलों को लेकर अमेरिका और इसराइल पर निशाना साध रहा है। ये बात जग जाहिर है कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, और जहां अमेरिका खड़ा रहेगा चीन उसके खिलाफ ही बयानबाजी करेगा। हालांकि कुछ वक्त पहले ही चीनी विदेशी मंत्री ने कहा था कि उनका देश फिलिस्तीन के लोगों की जायज मांगों का समर्थन करता है और गाजा में मानवीय त्रासदी को रोका जाना चाहिए। वहीं इस फोर्थ पब्लिक हियरिंग की बात की जाए तो चीन की तरफ से शिनमिन ने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए विदेशी उत्पीड़न का विरोध करने और अपने आजाद देश की स्थापना को पूरा करने के लिए बल का उपयोग करने का अधिकार है, और फिलिस्तीनी लोगों की ओर से हिंसात्मक कदम आतंकवाद नहीं बल्कि वैध संघर्ष है। मतलब कि चीन हमास की तरफ से की गई हरकतों पर अब पर्दा डाल रहा है। हमास ने गाजा में जो किया उसे चीन आतंकवाद नहीं मानता, चीन इस लड़ाई को एक वैध संघर्ष की तरह देख रहा। हुती जो लाल सागर में कर रहे उस पर भी चीन का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। लाल सागर में हुती विद्रोहियों की तरफ से हमला कई बार हो चुका है। नवंबर से हुती की लड़ाके इसराइल और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ अभियान चला रही, इसमें वो उनके माल वाहकों पर हमला कर रहे हैं। हुती विद्रोहियों का कहना है कि ये कार्रवाई फिलिस्तीनियों के समर्थन में है, जब तक इसराइल गाजा पर हमले नहीं रोकता, उसकी घेराबंदी खत्म नहीं करता, तब तक उसका ये अभियान जारी रहेगा, और ऐसे में हुती हर उन जहाजों पर हमला कर रहे जो उस रस्ते से निकल रहे हैं। खैर, चीन की तरफ से जो बयान सामने आया उससे इसराइल को बड़ा झटका जरूर लगेगा। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।